हेलो एवरीवन, यहाँ पर आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द चैप्टर इज चैप्टर नंबर 8 विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग मेजर। जो शुरू के 7 चैप्टर्स थे जिनके हर एक चैप्टर का इक्वल इम्पोर्टेंस था फॉर 2 मार्क्स इन द गेट एग्जाम, वो हमने ख़त्म कर लिए हैं। ऑन एन एवरेज जियोटेक जो है वो 15 से 16 नंबर के लिए पूछा जाता है। यदि मैं मान लूँ ऑन एन एवरेज 15 नंबर का लिए जियोटेक यदि पूछा जाता है तो शुरू के 7 चैप्टर्स में से मैंने 14 नंबर्स कवर कर लिए हैं। मुझे मेरे 14 नंबर्स कन्फर्म हो चुके हैं। अब मुझे सिर्फ लास्ट चैप्टर पढ़ना है एक नंबर के लिए, वो हम पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एक नंबर के लिए तो मैं छोड़ दूंगा, बहुत ईजी चैप्टर है, हार्डली बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये, है ना। थ्योरी पोर्शन है ज़्यादा, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बात करेंगे साइट एक्सप्लोरेशन का या साइट सॉइल स्टेबलाइजेशन। हमारे पास चैप्टर नंबर 8 जो है उसका जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो एक है आपका साइट एक्सप्लोरेशन एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। तो यहाँ पर यह रहा हमारा चैप्टर नंबर 8। देखते हैं सबसे पहले साइट एक्सप्लोरेशन क्या होता है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको मेरे पूरा, आप लोग देखेंगे यदि उस पूरा थ्योरी यहाँ पर लिख रखा है, सब कुछ डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। तो पहले मैं आपको डिस्कस करता हूँ, फिर ये आप लोग पढ़ेंगे, नोट्स करेंगे, अपने नोट्स प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जो टर्म इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो है आपका साइट एक्सप्लोरेशन का। देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइट एक्सप्लोरेशन। तो साइट एक्सप्लोरेशन जो है इसका मतलब होता है कि आपको आपकी साइट पर जाना है जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन होने वाला है इन फ्यूचर। तो पहले हम उस साइट पर जाके सर्वे करेंगे सॉइल का, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे हम वो देखना, जियोमेटिक्स नहीं देखना है हमें, जियोलॉजिकल सर्वे मतलब यहाँ पर ग्राउंड का देखना है कि इसमें क्या क्वालिटीज प्रेजेंट है सॉइल की, उसको कहते हैं हम साइट एक्सप्लोरेशन। ये साइट एक्सप्लोरेशन करने से मेरा मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ये होता है कि मैं साइट पर जाऊँगा और सॉइल की सैम्पलिंग करूँगा, मतलब सॉइल को कलेक्ट करके लाऊँगा। कहाँ लाऊँगा, लेबोरेटरी में लाऊँगा और वहाँ पर सॉइल की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एस्टिमेट करूँगा, चाहे फिर वो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ हो या इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ हो, वो हम एस्टिमेट करेंगे। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, साइट एक्सप्लोरेशन। मतलब साइट पर जाना, वहाँ पर सैम्पलिंग करना मतलब सॉइल कलेक्ट करना, वो सॉइल लेकर लैब में आना, लैब में उस सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स एस्टिमेट करना, डिटरमाइन करना यूजिंग डिफरेंट टेस्ट, इज कॉल्ड साइट एक्सप्लोरेशन। अब ये साइट एक्सप्लोरेशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ये साइट एक्सप्लोरेशन 2 टाइप के हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है आपका जनरल एक्सप्लोरेशन हो सकता है, या फिर ये आपका डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन हो सकता है। बात करूं यदि मैं जनरल एक्सप्लोरेशन का, तो जनरल एक्सप्लोरेशन मतलब क्या, जब भी मैं एक नॉर्मल बिल्डिंग बनाने जा रहा हूँ, मतलब एक लाइट स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने जा रहा हूँ, छोटा कंस्ट्रक्शन वर्क करने जा रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरे साइट पर किस टाइप की सॉइल प्रेजेंट है, वहाँ पर जाना है आपको, सैम्पलिंग करना है मतलब सॉइल लेकर आना है, लैब में आएंगे और उस सॉइल की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़, बोले तो इस इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ आपको एस्टिमेट करना है, जैसे वॉइड रेशो कितना है, वाटर कंटेंट कितना है, इस सॉइल की पोरोसिटी कितनी है, क्या डेंसिटी इंडेक्स है, रिलेटिव कॉम्पैक्शन क्या रिक्वायर्ड है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर डेंसिटी इंडेक्स कितना है वो एस्टिमेट करना होता है जनरल एक्सप्लोरेशन में, ठीक है। अब बात करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन का। डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन मतलब क्या, जहाँ पर आपको अपनी साइट पर हेवी स्ट्रक्चर बनाना है, कोई कॉस्टली स्ट्रक्चर बनाना है, कोई एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाना है, तब आपको डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप साइट पर जाएंगे, सैम्पलिंग करेंगे, है ना, सैम्पलिंग करके सॉइल लेकर आएंगे और फिर अपने जगह अपनी लैब में लेने के बाद वहाँ पर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़, जैसे कि इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज हम एस्टिमेट करेंगे, परमेबिलिटी एस्टिमेट करेंगे, कोफिशेंट ऑफ परमेबिलिटी मतलब निकालने की कोशिश करेंगे, उसमें कैपिलरिटी के क्या क्या चांसेस है वो एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे, ऐसी सॉइल किस टाइप की लोडिंग्स के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है उसके बारे में बात कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी, जहाँ पर हम कंप्रेशन सेटलमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द गिवन लोड्स के लिए, कितना परमिसेबल सेटलमेंट आने वाला होगा वो सब हम एस्टिमेट कर सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी के बारे में हम वहाँ देखेंगे। शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स, कोहेजन, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ड्रेन अनड्रेन कंडीशन में देख सकते हैं। पहले तो देखेंगे कि वहाँ पे ड्रेनेज पॉसिबल होगा नहीं होगा, है ना, कंप्रेसिबल सॉइल है, इनकम्प्रेसिबल सॉइल है, कैसी सॉइल है वो पता लगाने की हम कोशिश करेंगे। फिर बियरिंग कैपेसिटी एस्टिमेट करेंगे। तो ये जितनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ है वो सब
पहले हमें यहाँ पर निकालना होती है डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन में, क्योंकि मैं जो स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ ना वो बहुत हैवी स्ट्रक्चर है, कॉस्टली स्ट्रक्चर है, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसलिए उसके नीचे जो सॉइल प्रेजेंट है उसमें क्या एक्चुअल बिहेवियर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है वो मुझे निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये हम बात करेंगे डिटेल एक्सप्लोरेशन में, ठीक है। तो इनके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है साइट एक्सप्लोरेशन में कि क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है। जनरल एक्सप्लोरेशन के बारे में बता रखा है मैंने यहाँ पर, आप लोग प्रॉपर फॉर्मेट में इसको लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे। देन मैंने यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन के बारे में भी लिख रखा है, ये है आपका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन, ठीक है, लिखा आप लोगों ने इतना। अब ये जो साइट एक्सप्लोरेशन है इसकी कितनी नंबर ऑफ मेथड्स है, ये तो हो गया टाइप ऑफ क्या कहते हैं अपना एक्सप्लोरेशन, है ना। अब इसकी मेथड्स कितनी है, है ना, तो मेथड्स यहाँ पर मेथड्स ऑफ साइट एक्सप्लोरेशन की हम पहले बात करते हैं। मेथड्स ऑफ साइट एक्सप्लोरेशन को यदि मुझे कहा जाए तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि मैं मेनली दो मेथड्स की बात करूँगा, एक तो ओपन एक्सकेवेशन और दूसरी मैं बात करूंगा बोरिंग्स की, या जिसको मैं कह सकता हूं ड्रिलिंग्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओपन एक्सकेवेशन के बारे में। ओपन एक्सकेवेशन क्या है, मैंने यहां पर लिख भी रखा है, ओपन एक्सकेवेशन एक मेथड है साइट एक्सप्लोरेशन का, सॉइल सैंपलिंग का। आपको क्या करना है, एक बड़ा सा ट्रेंच जिसको हम पीट कहते हैं, गड्ढा आपको बनाना होगा सॉइल में। जनरली शेलो फुटिंग्स के लिए ये सूटेबल माने जाते हैं, क्योंकि गड्ढा जो आप फुटिंग्स के लिए बनाओगे, बड़ा ट्रेंच बनाओगे किसी पर्टिकुलर साइज का, तो वो शेलो फाउंडेशन के लिए सूटेबल माने जाते हैं ओपन एक्सकेवेशन। अच्छा, ये जो गड्ढा बनाएंगे ये मैनुअली भी आप बना सकते हैं, मशीन का यूज़ करते हुए भी बना सकते हैं। तो मैनुअली ऑपरेटेड कब होंगे ये टाइप के ट्रेंच, तब जब इसकी डेप्थ कम हो, शेलो फाउंडेशन के लिए आप वर्क कर रहे हो। लेकिन जब 6 मीटर से ज़्यादा डेप्थ पर यदि आपको निकालना है सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वहाँ पर आपको मशीन्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख रखा है ओपन एक्सकेवेशंस। तो जनरली सभी टाइप की सॉइल्स में ये ओपन एक्सकेवेशन आप कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर डेप्थ पर जहाँ पर आपकी फुटिंग जाकर रेस्ट करने वाली है, वहाँ से उस डेप्थ पर सॉइल कलेक्ट करके लाएंगे और फिर उसकी प्रॉपर्टीज को हम एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका, और यहाँ पर जब भी आप ये करते हैं, ट्रेंच प्रिपेयर करते हैं, तो ग्राउंड वाटर टेबल को आपको लोवर्ड करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका ओपन एक्सकेवेशन। बात करते हैं बोरिंग्स की, ड्रिलिंग्स की, ये हमारी नेक्स्ट मेथड है साइट एक्सप्लोरेशन का। तो ये जो बोरिंग्स है, ड्रिलिंग्स है, ये भी 5 टाइप के मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ऑगर बोरिंग, ऑगर एंड शेल बोरिंग, वॉश बोरिंग, परक्यूशन बोरिंग एंड रोटरी बोरिंग। तो वन बाय वन हम सभी बोरिंग्स को डिस्कस करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले ऑगर बोरिंग्स का, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पहले समझाता हूँ कि ऑगर बोरिंग्स क्या है, और फिर उसके ऊपर एक क्लिप में आपको वीडियोज़ की दिखाऊँगा, ठीक है। तो ऑगर बोरिंग क्या है कि जब भी आपके पास शेलो फाउंडेशन है, या फिर मैं कहूँ कि एक सॉफ्ट सेंसिटिव सॉइल है, क्लेई सॉइल है, तो वहाँ पर आप ऑगर बोरिंग यूज़ कर सकते हैं। इसमें हेलिकल या सिलेंड्रिकल फॉर्म का एक ड्रिल रहेगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में, है ना, और वो रोटेट करता रहेगा और सॉइल सैंपल को अंदर क्या करता रहेगा, कलेक्ट करता रहेगा। यहाँ पर केसिंग्स की ज़रूरत ऑगर्स में आप लोगों को पड़ सकती है, ठीक है। अब ये सूटेबल जो होता है वो कोहेसिव सॉइल्स के लिए भी हो सकता है, ग्रेवली सॉइल में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शेलो फाउंडेशन में जनरली इसका यूज़ देखने को मिलता है। इसमें बड़े बड़े से ड्रिल यूज़ किए जाते हैं, है ना, जिसको हम ऑगर कहते हैं। तो ये होती है आपकी ऑगर बोरिंग्स। आपको एक एक क्लिप दिखा रहे हैं हम, है ना, तो वो क्लिप देखो जरा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि वर्क चल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर
ऑगर एंड शेल बोरिंग, ठीक है। अब ऑगर एंड शेल बोरिंग क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको पिछला क्लिप एक दिखाया था, उस क्लिप के अंदर अब आप क्या देखेंगे, उस क्लिप मतलब वहाँ पर ऑगर था, अब यहाँ पर ऑगर एंड शेल बोरिंग में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि आपके ऑगर मतलब जो ड्रिल होता है उसके साथ में केसिंग भी प्रोवाइडेड होता है, तो जो कि केसिंग जो होते हैं उसके एजेस जो होते हैं वो शार्प बने हुए होते हैं। तो ऑगर जो था वो सिर्फ क्ले सॉइल में यूज़ किया जा रहा था जो कि सॉफ्ट सॉइल थी, लेकिन यदि मेरे पास स्टीफ सॉइल आ जाए तो ऑगर इज़ नॉट सफिशियंट, है ना, तो वहाँ पर हमें शेल भी प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि एक केसिंग होता है जिसके नीचे एंड पर शार्प टीथ बने हुए होते हैं, है ना, कटिंग एजेस बने हुए होते हैं जो कि सॉइल को स्टीफ सॉइल को कट करने का काम करता है, ठीक है। तो ऐसे टाइप की बोरिंग्स को हम क्या कहेंगे, ऑगर एंड शेल बोरिंग कहेंगे। नेक्स्ट टाइप की बोरिंग्स मैंने लिख रखा है, आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट टाइप की बोरिंग जो है वो है मेरे पास वॉश बोरिंग। तो वॉश बोरिंग क्या चीज़ है, ये बोरिंग तब यूज़ करना है जब आपका साइट एक्सप्लोरेशन बिलो दी ग्राउंड वाटर टेबल हो रहा हो, है ना। मैं पहले आपको एक क्लिप दिखा रहा हूँ, उसको देखिए। तो आप लोग देख रहे होंगे क्लिप के अंदर क्या चल रहा है कि वहाँ पर क्लिप में मैनुअली ऑपरेटेड भी हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये मैनुअली ऑपरेटेड भी हो सकते हैं, और ये जो वॉश बोरिंग है ये आपका मशीनरी ऑपरेटेड भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपको पंच करना होता है, वाटर को फोर्स लगाना होता है। यहाँ पर आप जैसे ही वाटर को अंडर प्रेशर फोर्स लगाएंगे यूजिंग द ड्रिल्स, जैसे ही उसको पंप करेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड सॉइल, इन द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉइल विल कम आउट अबो द ग्राउंड सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सॉइल वाटर स्लरी, जिसको हम क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में आया होगा कि किस तरीके से स्लरी बाहर निकलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसको ड्रिलिंग मड के नाम से भी, मतलब एक अलग मेथड होती है ड्रिलिंग मड, जो मैं आप लोगों को पहले शायद पढ़ा चुका हूँ ड्रिलिंग मड में, जब मैंने आपको वो पढ़ाया था एसपीटी टेस्ट, है ना, वहाँ पर भी ड्रिलिंग मड हम एक्चुअली देते हैं, ड्रिलिंग मड ऊपर से देते हैं हाई फोर्स के साथ में, नीचे से कटिंग्स को बाहर निकालते हैं, ये भी उसी टाइप का है लेकिन वो नहीं है। यहाँ पर आप क्या करते हैं, वाटर को हाई प्रेशर पर पंप करते हैं यूजिंग द ड्रिलिंग रॉड। आप क्या करते हैं, रॉड को उठाते हैं फिर नीचे डालते हैं, रेज करते हैं फिर ड्रॉप करते हैं, जिसके कारण वाटर में प्रेशर डेवलप होता है और वो बाहर आने की कोशिश करता है, है ना, इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड इन द मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉइल वाटर स्लरी, ठीक है। ये तभी सूटेबल होता है जब आपको ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे आपका साइट एक्सप्लोरेशन करना हो। तो ये होता आपका वॉश बोरिंग, ठीक है, आप लोगों ने क्लिप देखा होगा। नाउ नेक्स्ट इज पर्क्यूशन बोरिंग। पर्क्यूशन बोरिंग में हैवी चिजल्स होते हैं हमारे पास, है ना, नुकीले टूल्स होते हैं जिसके ऊपर आपको हैमर से क्या करना होता है, मारना होता है, मतलब ऑफ कोर्स अल्टरनेटिवली आप उसको क्या करेंगे, रेस करेंगे, ड्रॉप करेंगे, नंबर ऑफ ब्लोज लगाने होते हैं चिजल्स पर, और फिर जो कि हार्ड रॉक सरफेस जो होती है, बोल्डर सरफेस जो होती है, उसको ब्रेक करता हुआ हम सैंपल को कलेक्ट कर लेते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड पर्क्यूशन बोरिंग। जब भी आपके पास हार्ड या रॉक सरफेस आ जाए तो उस लेवल पर यदि आपको बोरिंग करना है, उस लेवल पर आपको सैंपल कलेक्ट करना है, उसको ब्रेक करते हुए, तो आप पर्क्यूशन बोरिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर रोटरी बोरिंग, विच इज़ द लास्ट टाइप ऑफ माई बोरिंग्स। ये जो रोटरी बोरिंग्स है इसका भी मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ। Thank you.
आप लोग देख रहे होंगे एक बड़ा सा ड्रिल वहाँ पर रोटेट होता हुआ नजर आ रहा है, उसके अंदर केसिंग का रिक्वायरमेंट नहीं दिख रहा है आपको। आसपास केसिंग दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपको एक बड़ा सा ड्रिल नजर आ रहा है और ड्रिल वहाँ पर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है कंटिन्यूसली और वो सॉइल को पेनिट्रेट करता हुआ अंदर जा रहा है। अब आप लोग देखेंगे उसमें भी कि ड्रिल जैसे ही अंदर रोटेट करता हुआ जा रहा है, फिर उस ड्रिल बाहर आ जाएगा कुछ टाइम बाद और फिर सॉइल को बाहर कलेक्ट कर लेगा। तो वो जो अभी ड्रिल के साथ में जो सॉइल आई है वो हमारा सॉइल सैंपल नहीं है, दैट इज़ नॉट द सैंपलिंग प्रोसेस। ये तो बोरिंग प्रिपेयर किया है हमने, है ना। बोर प्रिपेयर होने के बाद अब हम सैंपलिंग करेंगे। एक बड़ा सा बॉक्स आपको नज़र आएगा कुछ टाइम के बाद, जो कि आपके ये क्या कहते हैं आपके मशीन के साथ रिप्ले अटैच किया जाएगा। ड्रिल को हटा दिया जाएगा, एक बड़ा सा होलो बॉक्स लगाया जाएगा जिसके एजेस जो होंगे वो जो बॉटम में जो एजेस होंगे वो क्या होंगे, टीथ प्रोवाइडेड होंगे उन एजेस पर, कटिंग एजेस प्रोवाइडेड होंगे जो कि सॉइल को कट करता हुआ नीचे जाएगा और सैंपल को कलेक्ट करके बाहर लाएगा। ठीक है, यहाँ पर केसिंग की जरूरत नहीं होती है। ड्रिल्स जो होते हैं बड़े डायमीटर के होते हैं जो कि बहुत फास्ट स्पीड से रोटेट करते हैं, है ना, मशीनरी ऑपरेटेड है ऑफकोर्स। तो ये इसका यूज़ करते हुए आप डीप बोरिंग्स प्रिपेयर कर सकते हैं, बिग डायमीटर होल्स प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत कम समय के अंदर। ठीक है, तो वो रोटरी बोरिंग्स के बारे में भी मैंने यहाँ पर क्या है लिख रखा है कि इट डज़ नॉट रिक्वायर्ड केसिंग, कैन बी यूज्ड फॉर सॉइल एंड रॉक, मतलब स्टीफ सॉइल के लिए। ड्रिल्स आर कंटिन्यूसली रोटेटेड एंड वेरी फास्ट, बिग डायमीटर होल्स कैन बी प्रिपेयर्ड। एक बात जरूर बोलूँगा कि ये जो बोरिंग्स की प्रोसेस होती है, इससे यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल्स मिलेगा तो आप गलत सोच रहे हैं। जैसे मैं बात करूँ रोटरी बोरिंग्स का, मैं बात करूँ फिर ऑगर बोरिंग्स का, जहाँ पर भी ड्रिल से रोटेटेड होती है सॉइल वहाँ पर आपको हाईली डिस्टर्ब्ड, बैडली डिस्टर्ब्ड सॉइल देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये था मेरे पास बोरिंग्स और साइट एक्सप्लोरेशन के टाइप्स देखे हमने, जनरल एक्सप्लोरेशन, डिटेल एक्सप्लोरेशन और जो हमारा साइट एक्सप्लोरेशन की मेथड्स देखी मैंने कौन कौन सी, ओपन एक्सकेवेशन एंड बोरिंग्स। तो बोरिंग्स में भी मैंने आपको कुछ क्लिप्स दिखाई थी, है ना। बोरिंग्स के लिए हमने भी नंबर ऑफ क्या देख रखा है, बोरिंग्स के लिए भी मैंने यहाँ पर वो देख रखा है, क्या देख रखा है बोरिंग्स के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ बोरिंग्स, ऑगर बोरिंग देख रखा है, ऑगर एंड शेल बोरिंग देख रखा है, वॉश बोरिंग देख रखा है, परक्यूशन बोरिंग देख रखा है एंड रोटरी बोरिंग्स देख रखा है। तो मैंने सब कुछ आपको बोर्ड पर लिख रखा है, बाकायदा आप अच्छे से ये पूरा नोट करेंगे और अपने प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, है ना, एकदम बुलेट पॉइंट्स लिखें। बहुत ज़्यादा थ्योरी मैंने नहीं लिखा है क्योंकि चैप्टर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, है ना। इनमें से बहुत कम क्वेश्चंस, एक आध दो क्वेश्चंस आ जाते हैं मेनली, जो क्वेश्चंस आते हैं इसके बाद में जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ कि टाइप ऑफ सैंपल्स और डिज़ाइन ऑफ सैम्पलर्स, जहाँ पर मैं देखूँगा कि यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस की, कि सॉइल किस तरीके से हाइडली डिस्टर्ब मुझे मिलते हैं, तो क्या प्रोसेस होती है कि मुझे डिस्टर्ब सैंपल्स ना मिले, मैं किस तरीके से अपने सैम्पलर्स की डिज़ाइन करूँ, उन सब के बारे में मैं आने वाले टाइम में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करूँगा। तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है गेट एग्जाम के लिए, लेकिन ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन सी मेथड कब यूज़ करना है। इसमें से भी एक बार क्वेश्चन आया था मैच द फॉलोइंग्स का, कि वॉश बोरिंग दे रखा था, परक्यूशन बोरिंग दे रखा था, रोटरी बोरिंग दे रखा था, ऑगर बोरिंग दे रखा था और उनके दूसरे ये एक कॉलम में दे रखा था और उनके सिग्निफिकेंस या उनके यूज़ कब कब करना होते हैं वो सेकंड में दे रखा था, लिस्ट सेकंड कॉलम में दे रखा था। तो आपको मैच द फॉलोइंग करना था, तो वो उस पर सभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये था आपका साइट एक्सप्लोरेशन, जहाँ पर हमने देखा किस तरीके से क्यों आपका सॉइल को कलेक्ट करना ज़रूरी है और किस तरीके से क्या क्या मेथड्स होती कलेक्ट करने की। तो ये हमने लैब के अंदर देखा कि लैब यदि मेरे पास है तो लैब में मैं कलेक्ट करके कैसे लाता हूँ सॉइल सैंपल्स को, सैंपलिंग करके, और फिर वहाँ पर मैं कब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एस्टिमेट करना जरूरी होती है, डिटेल्ड है तो सब कुछ, बहुत सारी प्रॉपर्टीज एस्टिमेट करना होती है, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज एज वेल एज इंडेक्स प्रॉपर्टीज। लेकिन यदि मैं कहूँ कि मेरे पास छोटा कंस्ट्रक्शन वर्क है, जनरल एक्सप्लोरेशन कर रहा हूँ, तो फिर इंडेक्स प्रॉपर्टीज ही मुझे एस्टिमेट करना जरूरी होती है। तो यह था आपका साइट एक्सप्लोरेशन पर डिस्कशन। ठीक है, थैंक यू।